इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। रही थी, अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन अभी ये जो यूके में ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस अ ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था और उन्होंने ये बात की वहां पे जो मोटी मोटी। वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनके उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो तीन सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है कुछ में करनी है, और तीन जो सेशंस हैं उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये तीन सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 trillion का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट, बिल्डिंग बैक टुगेदर भी, और जो बिल्डिंग बैक ग्रीनर है उसमें ऑब्वियसली नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और अमेरिका समझता है अलॉन्ग विद G7 कंट्रीज के हमें किस तरह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने हैं। लेकिन मेरा जो टॉपिक है कि वो नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या बात की उसको समझना है और उसको देखना है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे जो बात की उसमें इन्होंने जो पहली बात की, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि जो कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर जो पेटेंट है उनको वेव किया जाए, जो पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं। या फिर आपको याद है कि अभी क्योंकि ये जब से हर मुल्क ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी तो कॉपीराइट्स आ गए हैं। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो उस तरह चीजें ग्रो नहीं करते जिस तरह उनके अपने आइडियाज नहीं होते, वो आइडियाज चोरी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। और अगर देखा जाए तो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में होती है पूरे यूरोप में मिला के नहीं होती, तो वो जितने आइडियाज हैं अभी खास करके ये जो G7 के मौके पे उन्होंने कहा है कि और ये बेसिकली ये जो आइडिया है ये उन्होंने WTO में इंडिया ने दिया था कि हमें साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ने दिया था कि हमें ये जो पेटेंट्स हैं ये इनको हटाने की जरूरत है, इसके ऊपर वेवर होना चाहिए ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरा ये है कि इंडिया ने अपना पोजीशन की कि हमने जो इंडिया ने कहा कि हमारी जो एक सक्सेसफुल पोजीशन रही है कि हमें एक ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसको इंडिया ने वहां पे एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ऑब्वियसली उन्होंने ये डिस्कस किया और जो रेज किया जो ऑब्वियसली G7 के ममालिक को और बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि G7 के जितने ममालिक हैं वो समझते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो दे कैन मेक अ बेटर डिफरेंस वो बना सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें जो एम्फसाइज किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज जो है वो हमें फ्यूचर पेंडेमिक से बचा सकती है। ये आप देखें, ये बेसिकली एक तो सबको सूट भी करता है ये चीज का। अभी देखें 400 खरब का जो पैकेज इस तरह पूरी दुनिया ने ये G7 ने निकाला है, ये बेसिकली तो काउंटर तो चाइना को करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज इट मीन्स कि वो चाइना को बीच में से निकाल रहे हैं, चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये जो नया अभी ये $40 trillion का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज
अमेरिका और जो बाकी ममालिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस एंटायर डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया ने रेजिस्ट किया था BRI को, CPAC को, इसके खिलाफ बात की, खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको ये चीजें तो अब मिलेंगी। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी ने वहां पे बात की, जो वन अर्थ वन हेल्थ जो मैसेज दिया ह्यूमैनिटी का, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, वहां पे डिस्कशन भी हुई। और नरेंद्र मोदी वहां पे गए इसलिए नहीं कि वो जो सेकंड वेव थी इंडिया में उसके लिए वो नहीं गए, उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए शायद मुश्किलात पैदा हों, अपोजिशन ये कहेगी घर में क्राइसिस है और तुम निकल गए हो। हालांकि फ्रेंकली स्पीकिंग अगर वो चले जाते तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स उसके निकलने थे, बट एनी हाउ ये उनका पर्सनल मसला है और ये मुल्क का मसला है, नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है और जो मैं देख रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि इंडिया का इस प्लेटफॉर्म पे जाना, और ये साउथ एशियन कंट्री है और यहाँ से कोई और मुल्क नहीं गया उस तरह, और वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो आइडियाज़ दिए हैं वो ऑब्वियसली आइडियाज़ G7 को तो बहुत पसंद आएंगे और वो उस पर बात भी करेंगे कि जी ठीक है, इट्स इज गुड। जो बाइडेन जो अमरीकी सदर हैं वो तो कह रहे हैं अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका इज़ बैक, वी आर ऑन द सेम पेज, और फ्रेंच प्रेजिडेंट जो बाइडेन और जॉनसन तीनों ने अच्छे डेवलपमेंट अपने आइडियाज दिए कि हम जी वापस आ गए और हम अब वैसे नहीं थे जिस तरह 4 साल माजी के ट्रंप के गुजरे, वो एक बड़ा बुरा टाइम था, सो एंड सो। तो जो मोदी साहब ने ये जो आउटरीच सेशंस में, ये G7 में खिताब किया, जो बात की है, ये ऑब्वियसली एक, एक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये जो बिल्ड बैक बेटर एक जो जो थीम है समिट का, बेसिकली इसमें ये पता चला कि प्रायोरिटीज क्या है G7 की। अगर आप देखें, मैं इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि 2013 में बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो 2003-04 में आया था जब एशियन सुनामी आया था। फिर 2007 में अगर आप देखें तो जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने आके इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट में बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज की बात की थी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात की। फिर अभी दोबारा 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में ने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कमर चीमा डिस्कस कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जी समिट में अपना मतलब भाषण दिया उसके बारे में बात कर रहे थे। गाइज आपको बता दें जी समिट इस बार हुआ था UK में और इंडिया जी समिट का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को इसमें बुलाया गया था और इंडिया के साथ दक्षिण कोरिया को भी बुलाया गया था, और बहुत ही जल्द G7 समिट है उसे मतलब बढ़ाकर D10 करने की तैयारी हो रही है और ये उसमें पहला कदम था। तो गाइज आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअल तरीके से इस समिट से जुड़े थे। इसके पीछे की मेन वजह थी COVID-19 जो इंडिया में फैला है, और UK में कुछ रिस्ट्रिक्शन है इंडियन के लिए, स्पेशली क्वारंटाइन वगैरह की जो प्रॉब्लम थी उस वजह से बचने के लिए ये सही था कि इसमें आप वर्चुअल तरीके से जुड़ जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल तरीके से ही जुड़े और उन्होंने इसमें जो ख़ास बात की आपको बता दूं वो यही कोविड को लेकर जो पेटेंट की पॉलिसी है, वैक्सीन जो बड़े बड़े देश हैं वैक्सीन मेकर जैसे यूके की वैक्सीन इंडिया में नहीं बन सकती। आपको बता दें इंडिया में जो यूके की वैक्सीन बन रही है AstraZeneca, वो हम और किसी भी प्लांट में उसे नहीं बना सकते। उसका मेन रीज़न ये है कि पेटेंट पॉलिसी की वजह से वो इंडिया के एक ही प्लांट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन सकती है। गाइज अगर उसे हम दूसरे प्लांट में बना देते, फॉर्मूला शेयर हो जाता, तो हमारे पास 3000 से ज़्यादा दूसरे प्लांट हैं, दूसरे फार्मेसी कंपनीज़ हैं, उनके साथ अगर आप फार्मूला शेयर करें और उसका प्रोसेस बताएं तो डेफिनेटली ये हम बहुत बड़े नंबर में बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब गाइस सिचुएशन ये थी कि आपको पता है अभी वैक्सीन के लिए कितनी किल्लत हुई, हालांकि अब इंडिया ने वैक्सीन में तो सबसे ऊपर आ चुका है, 25 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है इंडिया में, फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा है ये, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो गाइस प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही इनिशिएटिव था और यही बातें कि लेकिन जी समिट
जो G7 समिट की खास बात क्या थी, खास बात ये थी यहाँ पर चीन को काउंटर करने के लिए चीन से बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ जो कि मतलब अमेरिका के द्वारा किया गया है। चीन का प्रोजेक्ट वन बेल्ट जो पाकिस्तान में सीपैक के नाम से जाना जाता है, उस प्रोजेक्ट को लेकर मतलब दुनिया भर में जितने सारे देश चीन से जुड़े हैं, अब अमेरिका एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया और उससे बड़े अमाउंट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि इंटरेस्टिंग बात थी, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि हम पहले ही चीन का जो इनिशिएटिव है उसका बायकॉट कर चुके हैं और हमें इस तरीके का अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिले तो डेफिनेटली हम उससे जुड़ना चाहेंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है सी रूट, रेल रूट और रोड रूट से ट्रेड शुरू होगा। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।